एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे टैली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इस क्लास को देखने से पहले हमारी पिछली वीडियो जो टीसीएस पर ही मैंने बनाई हुई है, जिसमें हमने कम्प्लीटली टीसीएस क्या है, टीसीएस के टैक्स रेट्स क्या हैं, टीसीएस में नेचर ऑफ गुड्स क्या होते हैं, वो सारा कुछ मैंने पिछली क्लासेस में बताया। तो पिछली वीडियो आप जरूर देख लें, बिकॉज यदि उस वीडियो को आप देख लेते हो तो आज की क्लास आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगी। बिकॉज आज मैं आप लोगों को टीसीएस टैली में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कहने का मतलब टीसीएस को एक्टिवेट करने से लेकर के टीसीएस एक्टिवेट कैसे करते हैं, टीसीएस से रिलेटेड लेजर्स हम कैसे बनाते हैं, टीसीएस नेचर गुड्स कैसे बनाते हैं, वाउचर में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम टीसीएस पेबल कैसे चेक करते हैं, टीसीएस का पेमेंट हम कैसे करते हैं, कहने का मतलब कंप्लीट नॉलेज आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। अगर ये वीडियो आप देख ले रहे हो फिर टीसीएस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं टीसीएस को टैली में इंप्लीमेंट हम कैसे करते हैं। आप देख पा रहे हैं टैली के मेन विंडो गेटवे ऑफ टैली पर मैं अवेलेबल हूँ, और सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, टीसीएस को एक्टिवेट करते हैं। टीसीएस को एक्टिवेट करने के लिए हम F11 प्रेस करेंगे, और चूंकि टीसीएस एक टैक्स है और उसको स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जा करके हम यहाँ से यस प्रेस कर देंगे, स्टेटरी एंड टैक्सेशन ओपन हो जाएगा। एंटर करते हुए हम आएंगे TDS और TCS। TCS करना हो या TDS करना हो उसके लिए हमें 10 नंबर की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ TCS को यस कर लेंगे। पिछली क्लास मेरी TDS पर थी, TDS की कंप्लीट वीडियो इसमें अवेलेबल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से उसे प्राप्त कर सकते हैं या हमारे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट अगर आप ओपन कर लेंगे तो सारी वीडियोज आपको स्टेप बाय स्टेप, कहने का मतलब टैली का कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाएगा, पूरा टैली कोर्स आप फ्री में सीख लेंगे। हम यहाँ क्या करते हैं, सेट अल्टर टीसीएस डिटेल्स पर यस करते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ 10 रजिस्ट्रेशन नंबर हमें डालना होगा, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर में हम डाल देते हैं, एंटर करते हैं। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर जो 10 होता है, जो अकाउंट नंबर है उसमें आप बनाते इसको कैसे हैं, 4 अल्फ़ाबेट होगा आपका, 5 न्यूमेरिक होंगे और 1 अल्फ़ाबेट होगा आपका, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो हम उसी फॉर्मेट में इसको करके दे दे रहे हैं आपको, जिससे आप इसको समझ पाए आसानी से। हम 4 अल्फाबेट कुछ भी लिख लेते हैं, इसके बाद हम 5 न्यूमेरिक दे देते हैं, फिर हमें 1 अल्फाबेट दे देते हैं और एंटर करते हैं। आप देखिए कोई भी वार्निंग आपके सामने शो नहीं करा। कलेक्टर टाइप जो है हम इसमें कंपनी कर लिए, ब्रांच हम कर दिए बस्ती डाल दिया हमने, एंटर किया हमने। यहाँ सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर हम यस करके जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका डिटेल हम डालेंगे। तो हम यहाँ पर KCI ट्रेडर्स कर दिया हमने, आप देखें पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल, इसमें नेम हमने KCI ट्रेडर्स डाल दिया है। कंपनी का जो ओनर है, जैसे किसी का नाम हम पर्सन का नाम डाल रहे हैं जिसके नाम से कंपनी है, तो यहाँ हम जो प्रोपराइटर होता है उसका नाम डालते हैं, यहाँ उसके फादर का नेम डालते हैं, इसका जो डिजिग्नेशन होता है वो मतलब पद जो होता है उसको डालते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हम यहाँ से डालते हैं और इसको हम एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। कोई एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड लिमिट है तो उसको हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, यस कर लेंगे अगर उसको फॉलो कर रहा है, तो एंटर करेंगे और यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बैक आ जाते हैं, अब देखें अकाउंट इन्फो पर हम चलते हैं और TCS से रिलेटेड जो मास्टर्स क्रिएट करने हैं हमें उसको हम क्रिएट करके बताते हैं आपको। अकाउंट्स इन्फो पर आएंगे, सबसे पहले हम स्टेटरी इन्फो यहाँ से जा करके TCS नेचर ऑफ गुड्स हम बना लेंगे, बिकॉज पहले ये बना रहता था, अब हमें अपने आइटम के अकॉर्डिंग हमें क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे और यहाँ हम स्क्रैप डालेंगे। स्क्रैप जो सेक्शन है उसका, देखिए TCS जो है 206C सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ हम पेमेंट कोड भी हमने 206 डाल दिया। इसमें जो आपका स्क्रैप का रेट होता है 1 है, जिससे भी रेट के बारे में नॉलेज ना हो वो हमारी पिछली वीडियो जरूर देख ले, बिकॉज उसमें हमने TCS कम्प्लीटली TCS है क्या, TCS के कम्प्लीट रेट डिटेल्स का उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है, तो उसे ज़रूर आप देख लेंगे। यहाँ से एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम बैक आ जाते हैं, हमारा ये नेचर गुड्स बन गया, आप देखें यहाँ पर बैक करके आते हैं। अब हम TCS से रिलेटेड लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट में चलते हैं और हम एक पार्टी लेजर बना लेते हैं, एनके ट्रेडर्स नाम का हम एक पार्टी बना रहे हैं जो सेंड्री डेटर होगा, बिकॉज जिन्हें हम माल सेल करेंगे।
तो यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल में हम यस करते हैं। एंटर करते हुए हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस टी सी एस एप्लीकेबल स्टेटरी इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत इस टी सी एस एप्लीकेबल में हम यस करते हैं और एंटर करते हैं। अगर आपका कंपनी नॉन रेजिडेंशियल है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, जो भी कैटेगरी होगी कलेक्टी की, अब देख पा रहे हैं वायर और लेसी जो पट्टेदार होते हैं या जो वायर होते हैं या जो कलेक्टी जिसे हम कह सकते हैं जिससे हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो आपका जो कलेक्टी उसका टाइप हम यहाँ लिखते हैं। तो हम यहाँ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल प्रोवाइड कर दे रहे हैं, या इनका कंप्लीट एड्रेस हम डाल देते हैं, कलेक्टी का एड्रेस दे दिया, पिन कोड वगैरह अगर आपको मालूम है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देंगे, पैन कार्ड नंबर बहुत ज़रूरी है, जो उनका पैन नंबर होगा उसको डालना ज़रूरी है, बिकॉज यदि पैन नहीं होगा तो एक्स्ट्रा रेट डिडक्ट कर जाता है। तो इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम टी सी एस से रिलेटेड लेज़र क्रिएट कर लेते हैं, मतलब एक टैक्स लेज़र हम क्रिएट कर लेंगे, टी सी एस ऑन स्क्रैप। टी सी एस ऑन स्क्रैप हमने यहाँ से करा। कोई भी टैक्स लेजर होता है उसका अंडर ग्रुप जो होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, हम यहाँ से टी सी एस चुनेंगे, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में टी सी एस हो गया। नेचर अगर हमने पहले ना बनाया हुआ होता स्क्रैप, तो हमें यहाँ से जा करके अल्ट सी करके हम यहाँ से बना सकते थे, बट हमने पहले ही बना लिया है तो हम यहाँ से स्क्रैप चुनेंगे, एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम एक सेल्स का लेजर बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट। सेल्स का लेजर हमने यहाँ से क्रिएट करना है, बिकॉज हम सेल करके दिखाएंगे आपको। यहाँ जाएंगे इन्वेंट्री को हम यस करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे टी सी एस को, यहाँ से हम एप्लीकेबल करेंगे टी सी एस को। यदि हमें जी एस टी के साथ करना है तो हम, चूंकि जी एस टी के साथ टी सी एस जो होता है कुछ ई कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स पर होते हैं, वो हम यहाँ अगर हमें जी एस टी करना है तो जी एस टी के बारे में आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज है, बट जी एस टी को एक्टिवेट कर लेंगे और उसके साथ जी एस टी को हम डिडक्ट करा लेंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं एक जी एस टी विथ टी सी एस करके आपको दे दूंगा वीडियो। यहाँ से स्क्रैप चुनेंगे और यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम चलते हैं बैक करके, अब हम एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, कहने का मतलब जो स्क्रैप है हमारा उसका आइटम क्रिएट करेंगे हम। स्क्रैप आइटम सबसे फर्स्ट हम यूनिट बना लेंगे और यूनिट में हम एम टी डाल दिए, एम टी एस भी कर सकते हैं, हमने एम टी ही नॉर्मल में डाल दिया। और यहाँ पर हम फॉर्मल नेम मेट्रिक टन्स हमने दे दिया, एंटर करके इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। बैक करके हम आ जाते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से आइटम क्रिएट कर लेते हैं। आइटम क्रिएट करेंगे, स्क्रैप आइटम हम बनाएंगे, यहाँ से स्क्रैप आइटम बना लिया हमने। अंडर में हम प्राइमरी डाल दे रहे हैं, यूनिट में हमने एमटी प्रोवाइड कर दिया, बिल ऑफ मटेरियल वगैरह हमें देना हो तो हम दे सकते हैं। हम यहाँ से जाते हैं टीसीएस को एक्टिवेट कर लेते हैं, और यहाँ वही नेचर ऑफ गुड्स डालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप नेचर ऑफ गुड्स नहीं डालोगे तो आपका टी सी एस डिडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हम करेंगे, रेट वगैरह हम डालना चाहें तो डालें, बिकॉज हमें सेल करना है तो हम यहाँ ओपनिंग क्वांटिटी हम प्रोवाइड कर देंगे कि हमारे पास पहले से स्क्रैप अवेलेबल है। हम कोई रेट इसमें प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रेट दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये कर लेने से फ़ायदा होगा कि जब हम सेल करते हैं तो उसमें माइनस में आपका शो नहीं करेगा। अगर एज एग्जाम्पल हम इसको कर रहे हैं तो कंपनी में हो आप, तो आपके पास स्टॉक में होगा तभी आप उसे सेल करोगे। हम बैक करके आते हैं। अब हम आपको ट्रांजेक्शन में चल के वाउचर करके दिखाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ से हम सेल्स वाउचर को ओपन करेंगे। सेल्स वाउचर को ओपन करने का शॉर्टकट होता है F8। आप ध्यान देंगे कि जो वाउचर आपका आएगा वो आपका इनवॉइस मोड में ही होगा। यहाँ पर हम कोई भी रेफरेंस नंबर दे देंगे, एंटर करेंगे, पार्टी नेम हम चुनेंगे एनके ट्रेडर्स, एंटर करते हुए आएंगे, उनका कंप्लीट डिटेल जो होगा उसको हम यहाँ पर दे दिए हैं। सेल्स हम चुनेंगे और यहाँ पर अपना स्क्रैप जो आइटम हमारा है उस स्क्रैप को चुनेंगे। मान लीजिए हम 300 एमटी सेल कर रहे हैं और रेट हमने डाल दिया 1,500 रुपये पर एमटी। अब आप एंटर करेंगे और यहीं पर फिर से आप एक बार एंटर करेंगे। यदि आपको और कोई आइटम देना है जैसे उड्स वगैरह प्रोवाइड करना है तो आप इसको दे सकते हैं। हमने स्क्रैप केवल बनाया हुआ है, तो हम यहाँ से एंटर करके या एंड ऑफ लिस्ट करके हम नीचे आ जाएंगे। यदि आप जीएसटी को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहीं जीएसटी लेज़र प्रोवाइड करना होगा पहले, उसके बाद आपको टीसीएस लेज़र देना होगा, बट अभी हमने जीएसटी को एक्टिवेट इसमें नहीं किया हुआ है तो हम यहाँ से टीसीएस ऑन स्क्रैप को चुनेंगे। और जैसे ही हम टी सी एस ऑन स्क्रैप चुनेंगे ऑटोमेटिक आपका टी सी एस डिडक्ट होकर के आ जाएगा।
आपको चेक करना है कि चूंकि यहाँ परसेंटेज रेट नहीं शो कर रहा है, तो आपको चेक करना है कि टीसीएस कितना डिटेक्ट हुआ है। तो आप यहाँ देखें टैक्स एनालिसिस है, या फिर अल्ट के साथ ए प्रेस कर देंगे आप, तो आपको यहाँ कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। आप यहाँ डिटेल्ड देखना चाहते हैं तो जो इनकम टैक्स ऐड हुआ है इस पर 1%, और 4,50,000 का इनकम 1% इनकम टैक्स कितना होगा, 4,500। हम बैक करके आ जाते हैं और एंटर करते हैं, यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम बिल नंबर यहाँ प्रोवाइड कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप बैक करके आते हैं, आपको हम यहाँ से रिपोर्ट दिखाते हैं। तो डिस्प्ले पर जाएंगे, हमें यहाँ आउटस्टैंडिंग चेक करना है, तो हम टीसीएस रिपोर्ट पर चले जाएंगे। यहाँ से हम फॉर्म से देख भी सकते हैं क्या हमारा अमाउंट है और उस पर कितना टैक्स कलेक्ट होना है। तो इसमें आपका जो टीसीएस है वो 4,500 रुपये है। हम बैक करके आ जाएंगे और यहाँ से हम टीसीएस आउटस्टैंडिंग चेक करेंगे, कितना हमें पे करना है टीसीएस, तो 4,500 रुपये हमें टीसीएस पे करना है, अभी जो पेंडिंग अमाउंट में शो कर रहा है। जब हम टीसीएस को पे कर देंगे तो यहाँ पर टैप पेंडिंग अमाउंट शो नहीं करेगा। हम बैक करके आ जाते हैं, आपको हम बैलेंस शीट से भी रिपोर्ट प्रोवाइड करा देते हैं जो यहाँ पर आपका लाइबिलिटीज में शो कर रहा है। आप देखें आपका दायित्व तो है कि आपने जो माल बेचा हुआ है वो उसके 4,500 रुपये आपका टीसीएस होता है, उसको आप उनसे कलेक्ट करके ले जाकर के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जमा करें। इसको अगर हम अल्ट प्लस F1 करें तो हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा टैक्स है, जो हमारा पेबल टैक्स है, वो किस पर लगा हुआ है, टीसीएस और स्क्रैप पर लगा हुआ है। तो हम करेंगे क्या, अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं, यहाँ डिस्प्ले में हम आप आइए और डे बुक में आप आए। आप देखें जो एनके ट्रेडर्स है, आप देखें इसमें कंप्लीट अमाउंट इसका 4,50,000 तो आपके स्क्रैप आइटम का अमाउंट है, प्लस 4,500 रुपये टीसीएस है, इन दोनों को टोटल करके बना 4,54,500 रुपये। कहने का मतलब ये 4,54,500 हमें अपने कस्टमर से, अपने डिडक्टी से हमने इसको प्राप्त करना है, रिसीव करना है, फिर हमें जो टैक्स अमाउंट बन रहा है वो गवर्नमेंट के खाते में जमा करना है। ये कंप्लीट जिम्मेदारी डिडक्टर की होती है, कहने का मतलब जो विक्रेता होता है उसकी। बैक करके आते हैं, अब हम क्या करते हैं, रिसिप्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम रिसिप्ट करते हैं, रिसिप्ट में जाएंगे, यहाँ से F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में हम आ जाएंगे और यहाँ देने वाले एनके ट्रेडर्स हैं तो इनको हम चुनेंगे। अमाउंट आप देख पा रहे हैं 4,54,500, यहाँ हम एंटर करेंगे और एडजस्ट करेंगे, जो इनका पेंडिंग अमाउंट है इसको एडजस्ट करा, एंटर किया और यहाँ DR में हम यहाँ कैश चुन लेंगे, कैश व्यापार में आ रहा है, तो इस तरह से इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम चलते हैं TCS को पे करते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि हम हमें प्राप्त हो गया पूरा 4,54,500 रुपये। TCS को पे करने के लिए हम F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर में आएंगे और पेमेंट वाउचर को हम सिंगल मोड में कर लेंगे, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट पेमेंट है या कोई भी पेमेंट है तो हम सिंगल में करके करते हैं। यहाँ आपने कैश करा और यहाँ पर आपको देना क्या है, TCS ऑन स्क्रैप एडजस्ट करेंगे आप यहाँ से, ये जो पेंडिंग शो कर रहा है आपका इसको एक्सेप्ट। इसमें कोई केवल इनकम टैक्स 4,500 लगा हुआ है, कोई सरचार्ज, कोई एजुकेशन से सेकेंडरी एजुकेशन से नहीं लगा हुआ है। एंटर करते हैं, इंडब्लिस्ट करते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब मैं आप लोगों को बैक करके दिखाता हूँ रिपोर्ट कि जो आपका आउटस्टैंडिंग शो कर रहा था, आप देखेंगे उस आउटस्टैंडिंग लिस्ट से वो हट चुका है। आप देखें कोई भी TCS आउटस्टैंडिंग नहीं बचा हुआ है। बैक करके आएंगे, हम चलते हैं यहाँ पर आपको बैलेंस शीट के माध्यम से दिखाते हैं जो आपकी लाइबिलिटी बनी हुई थी। आप देखें लाइबिलिटी में भी कुछ नहीं रहेगा बिकॉज आपने उसका पेमेंट कर दिया। तो इस तरह से आपने सारी चीज़ों को देखा, कैसे हम लेज़र बनाते हैं, कैसे हम वाउचर करते हैं, फिर हम कैसे रिसिप्ट करते हैं, फिर हम TCS को पेमेंट कैसे करते हैं, सारा रिपोर्ट हम कैसे चेक करते हैं, कंप्लीटली आपने जाना। तो ये था TCS, कंप्लीट TCS। आई होप आपको TCS अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।